आपके मोबाइल से लिंक रहेगा। अच्छा, आपको आपकी मशीन कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे काम कर रही है, कितने आरपीएम पे चल रही है, ओवर आप हाँ कौन सी स्पीड पे चल रही है, आपको सारी जानकारी आपके फ़ोन पे आती रहेगी। मैं जैसे इसको ऐसे दबाया और वो देखो केवल इतना ऐसे करना है इसको। आप सभी को नमस्कार, कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू अलांटी C530 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, तो इसकी पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। नमस्कार जी। राम राम भाई। राम राम जी। मेरा नाम त्रिमान सिंह है और मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग देखता हूँ नॉर्थ इंडिया कंबाइन हार्वेस्टर में। जी सर। तो आज हम बताएंगे कि अपनी मशीन में क्या क्या खास बात है। जी सर, सारे पिक्चर बता दीजिए जिससे किसान भाइयों का कोई भी सवाल नहीं। मशीन न्यू हॉलैंड TC530 इंडिया की सबसे बड़ी मशीन है। जी सर। इसमें 130 HP इंजन, डबल थ्रेशिंग टेक्नोलॉजी विद रोटरी सेपरेटर। सबसे पहले आगे शुरू कर दीजिए, जैसे कटर से स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते रहे। चलो ठीक। इस मशीन में 15 फीट का कटर पार आता है। 15 फीट का, अंदर से अंदर कटिंग जो यहाँ से कटिंग एरिया है वो 15 फीट का रहेगा। जी सर। और अपने फीडर की क्या रहेगी सर, जैसे चौड़ाई फिर? फीडर की चौड़ाई है 14 इंच की, 14 इंच की फीडर की चौड़ाई है और फीडर भी लंबाई जो है 15 फीट की रहेगी। ठीक है। 6 बेड की रील रहेगी, इसको बेड बोलते हैं। जी। 6 बेड की रील रहती है। जी सर। इसका फायदा क्या रहता है, एक तो बड़ी रील का फायदा क्या था, इसके ऊपर ना जब आप मशीन हाई स्पीड पे चलती है तो फसल इसके ऊपर लिपटती नहीं है। हाँ, लिपटती नहीं है फसल। तो इसकी भी जो सेटिंग है आपकी, इसकी स्पीड जो है चाल है, क्योंकि जो स्पीड इसकी है जो आप कम ज्यादा कर सकते हैं ऊपर बैठे बैठे। यहाँ पे पीछे आइए, अब दिखाता हूँ। जी सर। यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है, ये देखिए। जी सर। ठीक है। इसका कंट्रोल सीधा ऑपरेटर कैबिन में लगा हुआ है, वहीं से बैठे हैं अपनी फसल। बटन दबाया तो बटन दबाने से कम होगी, बटन दबाने से ज्यादा होगी, वहीं से हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही अपने एरिया में और रोहतक साइड में इधर सरसों की कटाई बहुत होती है। हाँ, होती तो है। सरसों में ज्यादातर लोग मशीनों से कटवाने के लिए कहते कि नहीं कटवानी, क्योंकि रील की वजह से ना क्रॉप की बर्बादी बहुत खराब हो जाती है, उसकी चाल ज्यादा रहती है। तो हमने क्या किया इसकी, आप 1 मिनट में 12 चक्कर प्रति मिनट की रील की रफ्तार है, तो उससे जैसे आप मशीन चलाएंगे तो इतनी चाल धीमी होती है तो कि रील पे नुकसान कोई नहीं होता। तो अपनी फसल के आधार पर एडजस्टिंग कर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप अगर मशीन तेज चला रहे हैं तो उसको तेज कर सकते हैं। जी। आपको नीचे बाकी मशीनों में नीचे उतर के पुली सी सेटिंग करनी पड़ती है। जी जी जी। और उसको सरसों काटनी, सरसों की अलग पुली लगानी पड़ेगी, इतना ज्यादा हो भी नहीं पाता उसके एडजस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक बात पूछना चाहूंगा सर, जैसे आपने बताया मशीन के अंदर से साइज है वो सेम है और आगे कटर ही ज्यादा है? नहीं, कटर मैं आप 15 फीट का कटर है, 15 फीट और पौने 52 इंच का इसका फीडर है, पौने 52 का। बाकी नॉर्मल जितनी भी मशीनें आती हैं लोकल उनमें 50 इंच का फीडर है। 51 इंच 50। क्योंकि ज्यादा माल अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि अंदर फीडर भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए सफाई भी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, 52 इंच का फीडर है। फीडर की बात अगर थ्रेशर की बात करें तो थ्रेशर भी अपना सबसे बड़ा है, 1297 mm का थ्रेशर है। जी सर। और डबल थ्रेशर टेक्नोलॉजी है, एक थ्रेशर आगे लगा, पीछे बीटर लगा रहता है, उसके पीछे एक और थ्रेशर है, डबल थ्रेशर भी। हाँ, डबल थ्रेशर उसका आपको आगे दिखाते हैं आगे। चलो पहले एक बार कटर वार कंप्लीट कर लें। आप यहाँ पे देखिए, ये आप ब्लेड पे फोकस करेंगे, ये नट बोल्ट वाले लगे हुए हैं, ब्लेड नट वाले फिर यूज में आ जाएंगे। हाँ, अगर बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन में क्या होता है, रिवेट लगी रहती है। जी जी। रिवेट लगने से क्या होता है कि अगर ब्लेड टूट जाता है, ब्लेड टूट जाता तो पूरी कटर पर स्ट्रिप बाहर निकाल के उसको थोड़े शनी से काटना पड़ता है। होता क्या है, टाइम बर्बाद होता है, आधा पौना घंटा हो गया, और आधे पौने घंटे में जिसने जो काम करना है वो अपना गया। अपने यहाँ पे क्या हुआ, अगर ब्लेड टूट भी गया बाई चांस, जी सर, तो नट से चेंज कर दिया, 2-3 मिनट का काम है सर। तो आपने बताया एक बात सर, जैसे आपने बताया कि इसकी और मशीनों ज्यादा चौड़ाई वो है, तो इसका स्पेयर पार्टिंग का कैसे करेगा सर? फिर स्पेयर पार्ट सर इसका न्यू हॉलैंड की डीलरशिप पे उपलब्ध रहेगा। अच्छा, डीलरशिप से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी न्यू हॉलैंड में 400+ डीलर है इंडिया में, तो आप कहीं भी जाते हैं आपको स्पेयर पार्ट वहां से मिल जाएगा। तो इसकी अभी कीमत क्या रखी गई है सर अपने इस मशीन की? अभी फिलहाल जो इस अभी आज इस मेले में कीमत है, इस 29,50,000 की इस मेले में है आज की डेट में। जी जी। और वो फिर चेंज होते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके ऊपर लोन अवेलेबल रहेगा सर जैसे? बिल्कुल सर, न्यू हॉलैंड कैपिटल CNS कैपिटल का द्वारा लोन अवेलेबल करते हैं। बाकी सर सारा आपका जैसे सिबिल स्कोर है उस द्वारा आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड कर देगी। जी सर। और जैसे काफी क्षेत्र में देखते हैं सब्सिडी भी आती है काफी बार, तो सब्सिडी फिलहाल सर हरियाणा में तो कोई सीन है, MP वगैरह में आती रहती है अभी, वो भी सर अगर सरकार पे डिपेंड है, अगर वो देती जाती तो। अगर उस टाइम पर अप्रूवल रहेगी अपनी मशीन? जी जी सर बिल्कुल। और इसकी गारंटी क्या कुछ रहेगी सर जैसे? गारंटी सर 1000 hours एंड और 1 साल जो पहले आ गया। 1 साल। और ये मान लो अभी आपने बताया अलग अलग फसलों के लिए है, तो एक बार गेहूँ काट, हाँ जी सर 24 फसलें काटती है सर ये मशीन। जैसे अभी गेहूँ काट ली किसान ने, जी सर, और 2 साल हो गए जैसे आउट ऑफ वारंटी हो गई, उसके बाद सरसों में जचाता है सेटिंग करता है, उसकी सेटिंग नहीं हो पाती, तो उस टाइम क्या सर हम अपना सर्विस टेक्नीशियन सर अपना हार्वेस्टिंग टाइम पे फील्ड में रहते हैं। जी। डीलर को उसका कस्टमर, क्योंकि पहले मशीन उसको टच में रहेगा, उसको फोन लगाएगा, उसको जवाब दे देगा। तो आउट ऑफ वारंटी गई है भाई, आउट ऑफ सर्विस नहीं है अपनी टीम। जी, सर्विस जी।
हर टाइम रहेगी। जी जी जी, जब तक कस्टमर भी लगभग आपने बताया काफी फसल काट सकते हैं, तो कौन लगभग मैन कौन सी फसलें कटती हैं और उनमें के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं लगभग सर? एक्चुअली अगर चेंजेस की बात करेंगे तो वो काफ़ी डीप चला जाएगा टॉपिक। मैं आपको मोटी मोटी फसलें बताता हूँ। सरसों गेहूं जो आपने हरियाणा में हो रही है, सरसों हो रही है, गेहूं हो रही है, चना भी हो रहा है, ग्वार हो रही है, धान हो रहा है, बासमती हो रही है, मुच्छल हो रही है, जो लोग हाथ से ही कटवाते हैं वो मशीन ये बिल्कुल सही तरीके से काटती है। सिर्फ धान के लिए थ्रेशर चेंज होगा, बाकी जितनी फसलें हैं इंडिया में 24 के फसलें अराउंड साउथ में रागी होती है, सोयाबीन होती है, चना होता है, उनके लिए इसके थ्रेशिंग चेंज करना नहीं पड़ता। थ्रेशर नॉर्मल थ्रेशर रहेगा नीचे। तो जैसे क्या देखते हैं अन्य हार्वेस्टर में आप देखते हैं कि चक्रों की जो एडजस्टिंग होती है वो केवल आगे वाले की होती है, इसमें डबल थ्रेशर है, तो क्या पीछे वाले की भी एडजस्टिंग होगी थ्रेशर? आप पीछे वाले थ्रेशर की इसमें दो स्पीडें आप चेंज कर सकते हैं। इधर आइए, पीछे वाले थ्रेशर को आप स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज करना चाहें तो भी आप इसको निकाल भी सकते हैं। आप निकाल भी सकते हैं टेक्नीशियन द्वारा, आप कंपनी के बंदे भेजेंगे। बाकी इसकी दो स्पीड की एडजस्टमेंट भी है जी। और मेन बात बाकी करें मेन बात थ्रेशर की, तो मेन थ्रेशर आपको पहले भी बताया था 1297 एम का है जी जी, ठीक। अब पीछे वाला जो रोटरी सेपरेटर, ये जैसे सेंसर किस चीज का है सर इसमें? ये सर थ्रेशर की आरपीएम बताता है। अच्छा, कितने आरपीएम पे आपका थ्रेशर चल रहा है तो फसल की अच्छी से? हां फसल बिल्कुल सर बिल्कुल, आप कितने आरपीएम पे इसकी थ्रेशिंग कर रहे हो आपको ऊपर बता देगा जी सर। जी सर, और ये आप देख सकते हैं बेल्ट की टेंशन, बेल्ट कई बार हम ज्यादा कस देते हैं कम कस देते हैं, तो यहाँ पे इसका इंडिकेटर लगा हुआ है कि यहाँ पे आप कर देंगे तो बेल्ट की बिल्कुल तनाव जो है बिल्कुल सेट रहेगा। और एक यहाँ पर फ्लैट की जगह अभी यहाँ पर तीन ये दे रखे हैं, ये ग्रूव पुली होती है सर इसकी, ग्रूव इसकी इससे ग्रिप बढ़ स्लिप नहीं करती। फ्लैट बेल्ट जो रहता है ना उसकी स्लिपेज होती है, तो वी ग्रूव पुली होती है इससे स्लिपेज नहीं होती जी जी। और ग्रेन टैंक कितने क्विंटल का रहेगा? ग्रेन टैंक सर इसका 27 क्विंटल का है, 27 क्विंटल गेहूं उसमें ऑलमोस्ट आ जाता है, 3000 लीटर वैसे इसकी कैपेसिटी है। और दूसरी बात आप खास बात देख सकते हैं इसको, ये जो ऑगर देख रहे हैं आप जी जी, ऑगर अगर आप मशीन रनिंग है तो अगर इसको बंद भी रहेगा तब भी दाना इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा हाँ जी, मतलब जब ट्राली आनी है खाली करनी हो तभी इसको आप खोलें, क्योंकि कई बार खेत में खंबा वगैरह कोई पेड़ वगैरह आता है जी जी, तो वापस से चाल टाइम वेस्ट होती है। दूसरी कई बार उल्टा मोड़ा लेना, हाँ उल्टा मोड़ा लेना पड़ता है, पर जहाँ से अगर कटर बाहर निकल गया तो मशीन निकल जाएगी जी 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 जी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो इसके शिप देखेंगे आप, है जैसे तीन शिप मिलती हैं, देखिए एक ऊपर एक नीचे और एक आगे, तीसरी शिप इसमें आगे मिल जाती है आगे की तरफ है। और इसकी जैसे सेटिंग करते हैं हम आमतौर पर अन्य हार्वेस्टर में देखते हैं, अपनी सिंपल अपनी जो हार्वेस्टर उनमें भी देखते हैं, नट के माध्यम से उन से इनकी सेटिंग करनी पड़ती है, परंतु ये कल्स टाइप में है। जैसे इसको ऐसे दबाया और वो देखो केवल इतना ऐसे करना है इसको, जितनी भी करनी उतनी पर छोड़ के इसको लॉक कर दे वो भी इससे और ये इससे, तो बिल्कुल आसानी से इसकी एडजस्टिंग हो जाती है। बार बार ये नहीं कि नट को वो किया ढीला टाइट किया, और नीचे वाली के लिए काफ़ी बार अपनी ऊपर वाली शीप उतारनी पड़ती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सीधा आ जाएगा और उसकी भी एडजस्टिंग आसानी से। तो कल सिस्टम सभी शिपों में तो समय कम से कम लगे ऐसा इसमें फीचर दे रखे हैं, और ऊपर आपको 5 वाकर मिल जाते हैं, इसमें ये लोग मिल जाता है जैसे ग्रीस वाला, तो धूलकर का भी नहीं जाएगा, धूलकर इसमें नहीं जाएगा, जैसे कई बार लोग हो जाते हैं फिर इनको खोलते रहो गुटों पर, परंतु इसमें ये लोग रहेगा। तो ये आपके सामने लगे हुए हैं अलग अलग मॉडल के ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन भी लगी हुई है, प्लस साथ में अलग से अलग अलग फसल के लिए अपने को अलग अलग स्पीड चाहिए होती है फैन की। तो अपनी मशीन में एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं जी सर, अलग अलग सुराख बने हुए हैं, टोटल 29 सुराख हैं जी, अलग अलग सुराख में अलग अलग स्पीड आती है। सरसों जैसे बिल्कुल हल्का दाना होता है, धनिया बहुत हल्का होता है, धनिया भी काटती है, और मक्का कितना भारी दाना होता है, मक्का हो गया अपने गेहूँ हो गया, ये भारी होते हैं, तो इनको अलग अलग स्पीड अलग अलग चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है। पर कंपटीशन में बात करें तो कंपटीशन में फैन की या पुली बदलनी पड़ती है आपको, मतलब मैं कहता हूँ कि 25 फसलें इस मशीन ने काटी है, तो 25 फसलों के लिए 25 पुली थोड़ी मैं करूँगा करी, सही बात है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सीधा रेगुलेटर लगा दिया, जिससे कि ऑपरेटर ईज होगी, ऑपरेटर को बिल्कुल भी अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, तोड़नी करनी पड़ेगी। बाकी 324 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है जी, और इसमें फ्यूल डालने की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मतलब इजिली डल जाता है, नीचे खड़ा नीचे है, ऊपर जाके बंदा आराम से, फ्यूल लॉस नहीं होता जी।
और जैसे कटर ये बड़ा होगा तो इंजन भी इसका बड़ा होगा, फिर कितने हॉर्सपावर का सर? इंजन सर इसका 130 एचपी का इंजन है, 130 एचपी का, 130 एचपी कमिंस का इंजन है जी, और टर्बो चार्ज है और पावरफुल, क्योंकि कस्टमर कहता है कि इतने बड़े इंजन की जरूरत नहीं है जी। लोकल मशीन आती है मेरे ख्याल से 101 101 हॉर्सपावर की इंजन आती है, पर वो पुराने जमाने की मशीनें होती थी उसमें अभी एसएमएस की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एसएमएस को इंजन पे लोड जाता है कम से कम 25-30 एचपी का जाता जाता है, तो उससे क्या होता है कि 130 एचपी अगर आपके पास फिर भी 105 एचपी काम करेंगे बचता है जी जी ठीक। और इसके ऊपर रोटरी स्क्रीन लगी हुई है, देख रहे हैं आप जी, गोल सी बिल्कुल, ऑटो क्लीनर रेडिएटर हेल्पिंग कम कर बिल्कुल बिल्कुल, इंजन की सेफ्टी रहती है एक से जी। साथ में सर इसका एयर कंप्रेसर टैंक आता है पीछे से लगा हुआ, हवा कमी कंबाइन की सफाई करने के लिए, हवा मारने के लिए, हाँ मशीन की सफाई करनी है या टायरों में भरनी है अपना सिस्टम करके। इधर आ जाओ। तो टायर साइज क्या है सर? थ्रेशर, थ्रेशर पर भी मोटर लगी हुई है। अच्छा, आप जाके इसके चक्कर कम से ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, थ्रेसर के कम चक्कर। बिल्कुल। तो साइड किस चीज का सर? वो थ्रेसर का ही था सर? हाँ, वो शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट बीच में से जाती है तो दूसरी तरफ से वो सेंसर लगा हुआ है। अच्छा। एक तरह से मोटर लगी हुई है, सेंसर लगा। और इसमें कितने नंबर की सर ये सापट है? हाँ जी, सापट कितने नंबर के ये? इसके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, सर्विस टीम में, आप सर्विस टीम से बात कर सकते हैं। हाँ सही, ये साई जी का तो उनका पता होगा। और बाकी पूरी ये फोल्डिंग वाली सारी? हाँ जी, हाँ जी, इसमें मेजर पार्ट्स आपको ना फुली सील्ड मिलेंगे। अच्छा, बहुत ही कम ग्रीसिंग पॉइंट्स है इस मशीन में नॉर्मल मशीन के मुकाबले। तो सभी प्रकार की फसल अपन ये एक मशीन से निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मक्के के लिए आपको नीचे बास्केट का कंकेव चेंज करना पड़ता है कि मोटा दाना हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी और उसका हेडर चेंज करना पड़ता है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। और एडजस्टिंग इसकी ऑटोमेटिक दे रखी है? बिल्कुल। तो एक बार इसका ऊपर चल के ये चलाने वाला सिस्टम? चलिए। अच्छा, इसको कॉल करे बाद में आसानी से काम कर सकता है? बिल्कुल। वैसे ना जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो काफ़ी कस्टमर्स कहते हैं कि जो नट बोल्ट लेते हैं वो भी घस के बाद में रिबड़ी बन जाती है। हाँ, पर इस मशीन में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ना हमने वॉबल बॉक्स दिया हुआ है। अच्छा, देसी भाषा में लोग मोटर बोलते हैं। हाँ, ये लगा हुई है, बाकी में कैंची लगी होती है, उसकी घिसाई हो जाती है तो वो कटर पर स्ट्रिप जो ऊपर नीचे होती है तो घिस जाती है, इससे आपकी लाइफ टाइम कभी भी इसकी अलाइनमेंट आउट नहीं होती। ठीक है, और सीजन में इसकी मेंटेनेंस इतनी ईजी है कि एक बार इसका ऑयल फिलअप करना है उसके बाद भूल जाओ। अच्छा, ऑयल रेगुलर, बाकी में क्या होता है हर 10 घंटे बाद आपको ग्रीसिंग करनी पड़ती है। हाँ, ग्रीस करनी पड़ती है। और ऑगर में एक सेफ्टी चीज दी हुई है जी, यहाँ पे एक शीयर बोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये देख रहे हैं बोल्ट? हाँ हाँ। अगर बाई चांस ऑगर में कुछ चोकिंग होगी हाँ, तो क्या होगा, क्योंकि मशीन सारी चलती है बेल्टों पर। बिल्कुल है। तो ऑब्वियसली बात है, बेल्ट मशीन इंजन इतना बड़ा है तो बेल्ट तो रुकेंगी नहीं, बेल्ट गिर जाएगी। सही बात। तो वहाँ पे क्या होगा, ये बोल्ट टूट जाएगा। अच्छा, ऑगर फ्री हो जाएगा, ऑपरेटर को पता लग गया यहाँ भी ऑगर चोक हो गया, तो वो मशीन का सारा काम रुकेगा, आगे चोक निकालेगा वापस चलाएगा, इनर डाल देगा वापस। जी जी, चले ऊपर, चले, चलो ऊपर चलो। तो इस पर चढ़ने का सिस्टम देखो, देख थोड़ी टेपर इसमें दे रखी है, टेपर ताकि आसानी से ऊपर चढ़ सके, बिल्कुल खड़ी नहीं है। और ये सेफ्टी के लिए फायर बॉक्स? हाँ जी। और अपनी एसी कैबिन में भी आती है ना सर मशीन? बिल्कुल सर, अपनी एसी कैबिन भी आती है मशीन, एसी कैबिन का 3 लाख का प्राइस। अच्छा, 3 लाख का डिफरेंस है। जी जी, तो अभी सिस्टम सेम है सर बाकी उसमें? हाँ जी बिल्कुल सर, सारा कुछ सिस्टम सेम है। अच्छा, सिर्फ ऑपरेटर कंफर्ट के लिए एसी कैबिन दिया गया। अच्छा, ठीक है। ये दोनों टायरों की अलग अलग ब्रेक है, ब्रेक हो गए, स्टीयरिंग है, क्लच है जी, फीडर को और अपने मशीन को हाई लो वाला, हाई लो। ठीक है, इसकी एक और बढ़िया बात है जी, जैसे लोकल मशीन में क्या होता है, अगर आप क्लच दबाते हो ना तो आप मशीन धीरेगी, तो ये हाई में, अगर हाई में तो हाई में रहता है। अच्छा, अपने में क्लच दबाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, न्यूट्रल हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और ये कटर बार को ऊंचे नीचे करने का, ये रील को ऊपर नीचे करने के लिए। जी जी, ठीक। ये जैसे आपको बताया था ना, रील की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इससे हो जाएगी। और ये थ्रेशर की, थ्रेशर की, ठीक है। अच्छा, थ्रेशर के वो घुमाने नहीं मिलेंगे? और यहाँ पे आरपीएम चक्कर आपको थ्रेशर के मिल जाएंगे। अच्छा, और इस साइड इंजन के? बिल्कुल, जैसे नहीं होना ट्रैक्टर के गियर्स हैं। हाँ, सेम ऐसे ही मशीन के गियर्स। अच्छा, सिंगल लीवर दे दिया? बिल्कुल सर, ये बास्केट को अप डाउन करने के लिए लीवर यहाँ पे दिया गया है। हाँ, और ये मशीन का आरपीएम मीटर, आरपीएम लीवर है। अच्छा, जो इंच रेस थ्रॉटल। हाँ, और इस साइड देखेंगे तो सेम बाकी मशीनों की तरह। अच्छा, और कटर बार एंगेजमेंट, थ्रेशर एंगेजमेंट और ग्रेन टैंक अनलोडिंग, ठीक। और इसके लिए हैंड ब्रेक लगी हुई है। जी जी,
ये जो चीज़ देख रहे हैं आप ना जी, ये स्काई वॉच लगी हुई है इसमें। अच्छा, स्काई वॉच जैसे ट्रैक्टर में भी अभी आ रहा है, GPS सिस्टम लगा हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, सीधा आपके मोबाइल से लिंक रहेगा। अच्छा, आपको आपकी मशीन कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे काम कर रही है, कितने RPM पे चल रही है। अच्छा, और आप हाँ कौन सी स्पीड पे चल रही है। अच्छा, आपको सारी जानकारी आपके फ़ोन पे आती रहेगी। अगर आपकी किसी ने मशीन से छेड़छाड़ की, इस डिवाइस से छेड़छाड़ की या बैटरी निकालने की कोशिश की, सारा आपको पता लग जाएगी। यहाँ भी पूरा सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मशीन अपने घर पर बैठे बैठे कंट्रोल में है। बिल्कुल, आपका ऑपरेटर इतने एरिया में काट रहा है और सिलेक्ट कर दिया अभी ये गाँव में काटना है, अगर किसी और गाँव में काट रहा है तो भी पता लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सर, जहाँ भी जाएगी वहाँ का पता चल जाएगा। जी जी जी, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। क्लोज्ड है, पूरा बंद है, पूरा बंद हो जाता पानी, है हाँ, पानी पुणी अगर बारिश पूरी दिक्कत आई तो दिक्कत, ट्रॉली लेट होगी तो आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। जी, बंद कर दिया, काफी बार क्या होता खुला है, नीचे अनाज रह जाता है तो ट्रॉली बारिश में हो जाती है तो ट्रॉली थोड़ी लेट हो जाती है, आ नहीं सकती। तो जितना एक एकड़ का 27 क्विंटल आती है अपने यहाँ पे, मेरे 24-25 की एक एकड़ से गेहूँ निकलती है तो पूरे का पूरा इसमें आ जाता है। जी जी, और बाद में खड़ी होती है तो बंद है तो नीचे जड़ने का खतरा भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, और ये सीट भी एडजस्टिंग है पूरी सीट। हाँ जी बिल्कुल, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी जी, कम्फर्टेबल कम हाइट का तो ऊपर कर लिया अपने, पूरा एडजस्टिंग। जी जी, किसान भाइयों को अपनी हार्वेस्टर के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया।